नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप बताने के लिए जय माता दी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पौष पुत्रदा एकादश पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का मुहूर्त कब है, पूजा की विधि क्या है, ये सारी चीजें मैं जानकारी दूंगी। देखते रहिए इस वीडियो को। पुत्र प्राप्ति के लिए और रक्षा के लिए यह एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। इस एकादशी को पुराणों में पवित्रा एकादशी का नाम दिया गया है। इस एकादशी के विषय में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को रखता है, उनके पूर्व जन्म के सभी पाप भी मिट जाते हैं और उन्हें संतान, धन संपदा और सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले को प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखकर संध्या के समय भगवान की फिर से पूजन करने के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा सहित विदा करें। इस प्रकार जो व्यक्ति पवित्रा एकादशी का व्रत करता है, उसको वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इससे पूर्व जन्म के पाप के कारण जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। देखिए, प्राचीन काल में इसकी मैं पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी की मैं कथा आपको सुना रही हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में राजा महिजीत राज करते थे। निसंतान होने के कारण राजा अक्सर बहुत दुखी रहते थे। मंत्रियों से राजा का दुख देखा नहीं गया और वह क्या किए कि लोमक्ष ऋषि के पास गए। ऋषि ने राजा के निसंतान होने का कारण और उपाय पूछा। लोमक्ष ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा को एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। पानी की तलाश में एक सरोवर पर पहुंचे तो एक गाय वहां पानी पीने आ गई। राजा ने गाय को भगा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। इससे अनजाने में एकादशी का व्रत के दिन ये हो गया। उनसे गाय के भागने के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। लोमक्ष ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो तो श्रवण शुक्ल एकादशी का जो व्रत रखे और द्वादशी के दिन अपना व्रत तोड़ना है राजा को और दान दक्षिणा देना है। मंत्रियों ने ऋषि के बताए विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत का दान कर दिया। इसमें राजा को क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हो गई। देखिए, जो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है वो है 7 जनवरी 2020 को पारण का मुहूर्त है। ये आपको 1:29 से 3:34 तक है, ठीक है। अवधि जो है 2 घंटे 4 मिनट की है। 7 जनवरी 2020 को हरिवासर समाप्त होने के का जो समय है वो है 10:07। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।